भाई 2 या 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, एक भाई साहब ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि भैया मथुरा वृंदावन में कुछ अच्छी और सस्ती रुकने की जगहों के बारे में वीडियो बनाओ। भाई प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा कि कहाँ कहाँ का दिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा बता देता हूँ हमारे मथुरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। पिछले 2-3 दिन इतने बुरे गए मेरे यार कि आपसे कहना ही क्या। आपको ये वाली आंख दिख रही है मेरी, 2 दिन से दोनों की दोनों आंखें बंद हो गई थी, गोहरी हो गई थी यार। मैंने थोड़ा सा रगड़ लिया था, उसका रिएक्शन ये हुआ, सूज के कुप्पा हो गई, दोनों ही बंद हो गई। अब भाई जब मेरे को दिख ही नहीं रहा था कुछ, तो वीडियो कहाँ से बना था, इसलिए 2 दिन कोई वीडियो बनाया नहीं। कल के बाद थोड़ी सी राहत मिली है, आज इतना हो गया है कि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ और आपको सूजन तो दिख ही रही होगी, तो इसकी वजह से कोई वीडियो बनाया नहीं था, क्षमा है। क्या करता है, आप दिख ही नहीं रहा तो वीडियो कहाँ से बनाऊँ, क्या बनाऊँ, इसलिए नहीं बनाया था। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार है, कुछ दिख भी रहा है, आपको दिखा भी सकता हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग और आज का वीडियो दोनों शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। अपनी महिंद्रा ट्रियो तैयार है, मथुरा जंक्शन के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं बंसी वाले नाच अपने लिए क्या रखा है, कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमारी दोनों भतीजी आ गई हैं, चब्बू और खुशी, गाड़ी में बैठने के लिए भाई से इतनी रेडी रहती हैं, जैसे ही मैं निकलता हूँ इनको पता चलता कि मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मेरे से पहले आके बैठ जाती हैं। चलिए निकलते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। गाइस, घर से निकल आए मथुरा जंक्शन जाने के लिए और रास्ते में आपको सड़क से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि कल रात को भाई बारिश हुई है। ये मौसम भी बड़ा ही अजीब है, जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश होती नहीं है। अभी भाई किसानों के खेत खाली होने की तैयारी में है, गेहूं की भी कटाई शुरू होने वाली है, आलू भी खुदाई चल रही है, सरसों की भी कटाई चल रही है, ऐसे टाइम पे बारिश हो रही है। इस समय इस बारिश का कोई काम नहीं है भाई, किसानों के ऊपर बहुत कर रही है, डरावनी चीज है। किसानों की बात इसलिए कर रहा हूँ भाई, थोड़ी बहुत खेती मेरे पास भी है, तो हमारे भी खेतों में गेहूं है और वो कुछ ही दिनों में कटाई पे आ जाएंगे। ऐसे में अगर बारिश होती है तो नुकसान ही नुकसान है, इसका फायदा कोई नहीं। सुबह घर से निकला था मैं गाड़ी साफ करने के लिए, तो देखा तो पूरी गाड़ी गीली पड़ी हुई थी, मैंने सोचा शायद घर वालों ने पानी डाल दिया, गंदी हो रही थी। भाई माहौल देख के समझ में आया कि बारिश हुई है। और गाइस, ये आ चुका है हमारा अड्डा, मथुरा जंक्शन गेट नंबर 3, जहाँ से हम गाड़ी चलाते हैं, अपनी दिनचर्या यही से चलती है। ठीक है, मथुरा जंक्शन के ऊपर लहराता हुआ हमारा तिरंगा पूरी आन वान शान से। और भाई माहौल देख के लग रहा है कुछ है नहीं, अभी तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सचिन बाबू, गुड मॉर्निंग, कैसा माहौल है भाई? ये है हमारा राकेश, कैसा काम निकल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, यही से गाड़ी चलाते हैं गुरु। अगर किसी को घूमने आना हो तो मथुरा जंक्शन का गेट नंबर 3 पूछ लेना, यहीं आपका भाई मिल जाएगा आपको। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some. गाइस, मथुरा जंक्शन से सवारी लेके आ चुके हैं वृंदावन में। और भाई 2 या 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, एक भाई साहब ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि भैया मथुरा वृंदावन में कुछ अच्छी और सस्ती रुकने की जगहों के बारे में वीडियो बनाओ। भाई प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा कि कहाँ कहाँ का दिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा बता देता हूँ। हमारे मथुरा जंक्शन का जो गेट नंबर 3 है, उससे आप जस्ट बाहर निकलोगे तो एक जगह पड़ती है धौली प्याऊ, जस्ट पास में ही है, रोड क्रॉस करो और धौली प्याऊ स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे सस्ते और अच्छे दोनों तरह के हैं, जैसी आप सुविधा देखेंगे उसी हिसाब के रेट होते हैं, लगभग 400 रुपये से लेके 4000 रुपये तक के रूम है। फिलहाल मैं वृंदावन में हूँ तो आपको अभी वृंदावन की जगह एक दिखा देता हूँ। मेरे पीछे ये देखिए बड़ा सा बोर्ड पे लिखा हुआ फोगला आश्रम, भाई VIP लग्जरी लोगों के ठहरने की जगह है, लेकिन आप कोई हल्का फुल्का बजट भी लेके आ रहे हो तो फोगला आश्रम पर रुक सकते हो, अच्छे रूम है, अच्छी ठहरने की व्यवस्था है,
और बहुत बड़ा आश्रम है। मैं कहूँ तो वृंदावन के कुछ गिने चुने आश्रम है जो फोगला आश्रम की बराबर बड़े होंगे। बहुत अच्छा आश्रम है, आप रुकना चाहो तो यहाँ पे आके रुक सकते हो। वैसे पूरे वृंदावन में आप कहीं भी चले जाना, बहुत से होटल हैं, धर्मशाला हैं, गेस्ट हाउस हैं, आप जैसी आप सुविधा चाहेंगे वैसा ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो अपनी जेब के और अपने बजट के हिसाब से आसानी से रूम मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा ढूंढने की या किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में जब घर से निकल रहा था आपको बता रहा था कि रात में शायद बारिश हुई हल्की फुल्की, और भाई मौसम अभी भी इतना ज़्यादा साफ हुआ नहीं है, कभी धूप निकल आती है कभी छांव हो जाती है, मौसम ठंडा बना हुआ है कल के मुकाबले। कल तो काफ़ी गर्मी थी और इस ठंडे मौसम का मज़ा ले रहा हमारा सलीम, काम धाम छोड़ के सोने में लगा हुआ है, सो जाते हो भाई साहब ऐसे ऐसे आलसी टट्टू हैं हमारे पास, मैडम लड़ा के भेज देते हैं जाओ कमा के लाओ, और यहाँ के बंदे पैर फैला के सो जाते हैं। क्यों भाई? तो भाई अब देख लिया तो क्या होगा, मैडम ने देख लिया तो क्लास लगेगी। आज गुरुवार का दिन है, आपको बता देता हूँ हमारे जो मथुरा जंक्शन है या पूरा ब्रज है, गुरुवार और मंगलवार थोड़ा सा काम के मामले में ठंडा रहता है। जितने भी गाड़ी वाले हैं फिलहाल तो सवारी निकली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम निकलता हो। गुरुवार मंगलवार थोड़ा हल्का रहता है, बाकी के दिन अच्छे रहते हैं, और फ्राइडे सैटरडे और संडे दमादम काम रहता है। गाइस जब मैंने आज के दिन की शुरुआत की थी ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह से एंड होगा दिन का। वैसे अभी एंड नहीं कर रहा हूँ ब्लॉग का, शाम हो चुकी है, आपको पीछे की तरफ अंधेरा दिख रहा होगा और जो आती जाती गाड़ियाँ हैं उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि अंधेरा हो चुका है क्योंकि लाइट जली हुई है। इस समय जहाँ खड़ा हूँ मैं, बहुत ही मशहूर जगह है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो नीताम्बरा देवी जी हैं जो कथावाचक हैं, और अक्सर करके आपको जो आस्था टीच जो आस्था चैनल है उस पर उनके प्रवचन चलते हुए मिल जाएंगे। तो जो नीताम्बरा जी हैं वो एक गुरुकुल चलाती है, बहुत बड़ा स्कूल है, जस्ट उसी पे खड़ा हुआ हूँ। दोपहर के टाइम में घर गया था खाना पीना खाने के लिए, आराम करने के लिए, नहाने धोने के लिए, तो भाई खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा लेट गया। अब भाई मेरा काम ऐसा है कि बैठे बैठे थक जाते हैं, तो थोड़ा सा लेटा था तभी मेरे को नींद लग गई, और शाम को जब मैं मथुरा जंक्शन आया तो 1.5 घंटा मुझे इंतजार करना पड़ा पहली सवारी पकड़ने के लिए, लेकिन 1.5 घंटे बाद सवारी मिल गई। यहाँ की जो नीताम्बरा जी का स्कूल है इससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पागल बाबा मंदिर है। अगर आप मथुरा जंक्शन से मथुरा वृंदावन रोड से होते हुए कभी गए तो वृंदावन का पहला एंटर पॉइंट पागल बाबा मंदिर ही पड़ता है, उससे थोड़ा सा पहले ये स्कूल है। यहाँ पे जो मैं सवारी लेके आया हूँ उनकी बिटिया रानी पढ़ती हैं, यहाँ से वो लेके जा रही हैं बंगाली घाट ड्रॉप करना है, मेरा काम बस इतना है यहाँ तक लाना और यहाँ से मथुरा जो बंगाली घाट है द्वारकाधीश मंदिर वहाँ पे ड्रॉप करना। मैडम जी जिनको मैं लेके आया हूँ वो गई हुई हैं अंदर अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए। तो भाई वृंदावन में अच्छे अच्छे स्कूल, गुरुकुल नाम है इसका संबित गुरुकुलम, अच्छा स्कूल है। सवारियाँ आ भी चुकी हैं तो निकलते हैं। गाइस घर आ चुके हैं और देखिए हमारे साहबजादे। हेलो गाइस, मोबाइल में वीडियो देखता रहेगा या पबजी, और ये रही हमारी अर्धांगनी जी, हमारी मैडम। अब जाके तो पेपर खत्म हुए हैं। ये है हमारी गीता जी। कितना टाइम हो रहा है गीता जी? 10। भाई 10 बज चुके हैं, अभी अभी दूध आया है तो चाय बनेगी, जाइए जल्दी से चाय बना के लाइए फिर सोएंगे। गाइस आज का दिन मेरा काम की तरफ से तो बहुत अच्छा गया है, जो गुरुवार के हिसाब से काम होना चाहिए था उससे थोड़ा अच्छा ही रहा है, लेकिन एक खुशखबरी आपको देने वाला था आज मैं, तो उस खुशखबरी को पाने के लिए जब पहुंचा तो वहां जाके पता चला मेरा काम बिगड़ गया है। दरअसल हुआ ऐसा था कि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल था जिसपे मैं 2 साल से लगातार मेहनत करने में लगा हुआ था, चैनल मोनिटाइज भी हो गया था, ठीक ठाक व्यू आना शुरू हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मैं अनाड़ी था उस समय, न तो मुझे ब्लॉग कैसे करना है ये पता था, न मोबाइल कैसे पकड़ना है ये तक पता नहीं था, ऐसे ही शुरू कर दिया था तो लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते नहीं थे, धीरे धीरे सीखता गया तो लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन भाई जब मिलने लगा तभी मेरे साथ घटना हो गई थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था छोटे भाई की शादी में, और गाइस जिस सिम से मैंने आईडी बना रखी थी पता चला कि वो सिम किसी और के नाम पे थी, तो उसमें गड़बड़ चल रही थी, लेकिन मैं जियो ऑफिस गया था सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आया था, भाई साहब बोले थे मेरे से 15-20 दिन में आपकी सिम चालू हो जाएगी, आज लगभग 25 दिन हो चुके थे, तो मैं ऑफिस फिर से गया पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ सिम कैसे चालू नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जियो की कोई नई पॉलिसी आई है उसके थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, अब दोबारा से डालनी पड़ेगी तब जाके आपकी जो सिम है वो चालू होगी। तो भाई दोबारा से उसको पेपर दे के आया, साइन वगैरह करके आया,
अब बोल रहा है बंदा 4 या 5 दिन में आपकी सिम चालू हो जाएगी, हो जाएगी तो वो चैनल भी मेरा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं उसका लिंक आप लोगों को दूंगा कि कौन सा चैनल है क्या है। वैसे अगर आप सर्च करना चाहो तो खाली मनोज फौजी ब्लॉग्स डालिए, तुरंत खुल के आ जाएगी, ठीक ठाक चलने लगा था वो, तो क्या करें बंसी वाला जब साथ नहीं देता ना तो ऐसी गड़बड़ें होती हैं। फिलहाल गाइस 11 बज चुके हैं, खाना मेरा हो चुका है, मैडम गई ये बर्तन साफ़ करने के लिए, सो रही थी अभी, मैंने डरा दिया था, कैसे डराया था वो देखना है तो इसी चैनल पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला, वो देखना, आपको हंसी भी आएगा मज़ा भी आएगा, देखा करो यार, भाई को प्यार सपोर्ट दीजिए। और गाइस एक भाई साहब ने मेरे से धर्मशाला वगैरह के बारे में पूछा था कि मथुरा वृंदावन में सस्ती और अच्छी धर्मशालाओं के बारे में कुछ बताइए, वीडियो बनाइए, तो भाई प्रॉपर तरीके से जैसा वो चाहते थे, शायद मैं उस तरीके से तो नहीं कर पाया हूँ लेकिन मैंने जवाब देने की कोशिश की है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस व्लॉग को कर देते हैं एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। 2 दिन से यार आँख सूजी हुई थी, गहरी हो गई थी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, थोड़ी सी दिक्कत है, सूजन है हल्की हल्की, लेकिन ठीक हो गई है इतनी कि मेरी आँखें खुल पा रही है, इसलिए ये वीडियो बनाया, 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, अच्छी नहीं लग रही थी यार इस वजह से, अब प्रॉपर आते रहेंगे। दोपहर को घर आया था ना, नींद लग गई थी तो इस वजह से घर का कुछ नहीं दिखा पाया, कल से पूरा पूरा टाइम दूंगा और अच्छे से ब्लॉग करने की कोशिश करूंगा, बस अपने प्यार और सपोर्ट में कोई कमी मत छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।